वेलकम बैक टू द वीडियो। उसमें हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम वायरल कैप्शन के बारे में। जी हां गाइस, आजकल इंस्टाग्राम पर काफी सारे वायरल कैप्शन है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में। जो भी लोग इन वायरल कैप्शन का यूज कर रहे हैं अपनी रील्स वीडियो में, उन सभी की रील्स वीडियो वायरल हो रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, मैं सिंपल इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर जितनी भी रील्स वीडियो आ रही है, इन सभी रील्स वीडियो में सेम कैप्शन का यूज किया गया है। एंड जितनी भी रील्स वीडियो में इन कैप्शन का यूज किया जाता है, वो सभी रील्स वीडियो वायरल भी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर जितना भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, सभी में सेम कैप्शन का यूज किया गया है। अब गाइस, ये वायरल कैप्शन काम कैसे करते हैं, साथ ही आपको इनको कॉपी कैसे करना है, इनको यूज करना सही भी है या नहीं आपके अकाउंट के लिए, एंड इनको यूज करने के बाद आपको अपनी रील्स वीडियो में ऐसा क्या करना होता है जिससे आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो छोटा सा वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है मैं चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो गाइस, यहां पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं, आप यहां पर देखिए, एंड यहां पर मैं आपको सब कुछ विद प्रैक्टिकल समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आप यहां पर हमारे अकाउंट पर देख सकते हो 100 लाइक, 100 फॉलोअर, 100 कमेंट। ठीक है, आपके अकाउंट पर भी कुछ इसी तरह से आने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो, साथ ही अगर आप अपनी रील्स वीडियो में उन वायरल कैप्शन का यूज करते हो। ठीक है, आप यहां पर देखो, सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे लेकर चलता हूं। प्रोफाइल पे हम आ गए, आप हमारे अकाउंट पर देख सकते हो 229,000 फॉलोअर है। एंड जैसे यहां पर मैं रील सेक्शन में आता हूं, आपको यहां पर मैं सबसे पहले प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है भाई, मैं जितनी भी रील्स वीडियो में इन वायरल कैप्शन का यूज करता हूं, मेरी सभी रील्स वीडियो वायरल होती है। ठीक है, साथ ही यहां पर अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यहां पर देखिए, मैंने इस वाली रील्स वीडियो में यूज किया तो ये रील्स वीडियो भी वायरल हो गई, यानी इस पर 2 लाख व्यूज है। एंड अगर हम यहां पर और नीचे की तरफ आते तो यहां पर आप देख सकते हो, इसमें मैंने कैप्शन का यूज किया तो भाई ये भी हमारी रील्स वीडियो वायरल हो गई। एंड इस पर आप देख सकते हो 1.3 मिलियन व्यूज है, यानी कि 13 लाख व्यूज है। ठीक है, इसी तरह से इसमें यूज किया तो इस पर 9 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। फिर इसके बाद यहां पर हमने इसमें भी उस वायरल कैप्शन का यूज किया तो यहां पर इस पर 38 लाख व्यूज है। ठीक है, एंड यहां पर लाइक कितनी है, 1,14,000 लाइक है। तो ये तो आप समझेगी, ये कैप्शन वाली ट्रिक काम कर रही है। जितने भी बंदे इसको अपने रील्स वीडियो में यूज कर रहे हैं, उन सभी की रील्स वीडियो वायरल हो रही है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको ग्रुप भी दिखा दिया, लेकिन आप में से काफी सारे बंदों के दिमाग में ये चीज जरूर आती होगी, आखिर ये वायरल कैप्शन काम कैसे करते हैं। ठीक है, यानी भाई रील्स वीडियो में कैप्शन यूज करने से आखिर रील्स वीडियो वायरल हो कैसे जाती है, ऐसा उस वायरल कैप्शन में होता क्या है, क्या मतलब उसमें कोई कोड होता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको ये बताता हूं आखिर ये वायरल कैप्शन काम कैसे करता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे आपको इसको कॉपी करना है, साथ ही कैसे आपको नए नए वायरल ट्रेंडिंग कैप्शन कहां से मिलेंगे। ठीक है, तो वो हम बाद में जानेंगे, बट सबसे पहले यहां पर आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो गाइस देखिए, इंस्टाग्राम पर मतलब काफी सारे ऑडियो, काफी सारे म्यूजिक ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करते हैं, एंड कई बार आप उन पर रील्स वीडियो बनाते हो एंड आपकी रील्स वीडियो चल जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा, काफी सारे इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि वो जो है ना भाई एक ही ऑडियो पर बार बार रील्स वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, फिर मतलब एक ही सॉन्ग पर बार बार डांस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस ऑडियो पर उनकी रील्स वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुकी होती है। ठीक है, अब यहां पर मैं जितने भी बार उस ऑडियो पर रील्स वीडियो को बनाएंगे, उनकी हर रील्स वीडियो वायरल होगी। अगर आपकी कोई रील्स वीडियो वायरल है, अगर आपने मतलब किसी ऑडियो पर रील्स वीडियो बनाया था एंड आपकी वो वायरल हो गई थी, अगर आप उस पर दोबारा रील्स वीडियो बनाओगे तो यहां पर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपकी वो रील्स वीडियो 100% वायरल होगी। ठीक है, तो आप ये चीज जरूर से ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, साथ ही इंस्टाग्राम पर सिर्फ ऑडियो ही नहीं, काफी सारे टॉपिक भी ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया। ठीक है, आप मतलब किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हो एंड अगर आपकी उस टॉपिक पर वीडियो वायरल हो जाती है, अगर आप उसको दोबारा बनाओगे, यानी रिपीट करके बनाओगे, सेम नहीं डालना, मतलब आपको मतलब थोड़ी बहुत चेंजिंग करके दोबारा अगर आप बनाते हो, तो वो भी रील्स वीडियो आपकी 100% वायरल होती है। हो सकता है कि वो आपकी रील्स वीडियो पहले वाली रील्स वीडियो से भी ज्यादा वायरल हो। ठीक है, ऐसा होता भी है। तो यहां पर आप मतलब जितनी भी बार वीडियो बनाओगे उस टॉपिक पर, हर बार आपकी रील्स वीडियो वायरल होती है। ठीक है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कुछ इसी तरह से काम करता है, जिस तरह की रील्स वीडियो आपकी वायरल होती है, अगर आप उस तरह की वीडियो बनाओगे तो उस तरह की रील्स वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं। तो कुल मिला के इंस्टाग्राम पर सिर्फ ऑडियो या फिर मतलब कोई टॉपिक ही नहीं, अगर आपने मतलब अपनी रील्स वीडियो में किसी वायरल कैप्शन का यूज किया एंड अगर आपकी वो रील्स वीडियो वायरल हो गई एंड अगर आप बाद में मतलब कोई रील्स वीडियो बनाते हो एंड आप मतलब उसमें भी सेम कैप्शन का यूज करते हो, तो वो भी आपकी रील्स वीडियो 100% वायरल होती है। ठीक है, एंड काफी बंदे इस ट्रिक का यूज करके अपने अकाउंट पर लाखों में फॉलोवर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी वायरल कैप्शन यूज करने से कोई भी एक रील्स वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद वो लोग करते हैं कि वो सभी रील्स वीडियो में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी सभी रील्स वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये मतलब कुछ इस तरह से काम करता है, क्योंकि वो वायरल कैप्शन अभी ट्रेंडिंग में है, जितनी बार भी वो बंदा अपनी रील्स वीडियो में इस वायरल कैप्शन का यूज करेगा, उसकी रील्स वीडियो हर बार वायरल होगी। ठीक है, अब ये ट्रेंडिंग में कैसे आता है, आप यहां पर देखें, जब कभी भी कोई भी बंदा किसी ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करता है तो उस पर 10,000, 20,000 या फिर 1 लाख लोगों ने उस ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज किया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उस ऑडियो पर रील्स वायरल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहां पर ये कैप्शन भी काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी रील्स वीडियो में इस वायरल कैप्शन का यूज किया। ठीक है, अगर आपकी अभी भी समझ में नहीं आया तो यहां पर आप देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं रील्स सेक्शन में आता हूं एंड यहां पर इस बंदे ने अपनी रील्स वीडियो में इस सेम वायरल कैप्शन का यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर इस पर यूज कितने, सबसे पहले यहां पर आप व्यूज देखो, फिर उसके बाद यहां पर आप समझ जाओगे इस पर 215,000 व्यूज। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहां पर इनके जैसे लाखों या फिर करोड़ों बंदों ने इस वायरल कैप्शन का यूज किया होगा, फिर लाखों बंदों ने तो क्या ही होगा, एंड लाखों बंदों की रील्स वीडियो इस पर वायरल भी होगी। ठीक है, 50,000 पे मतलब 1 लाख बंदों की इस पर रील्स वीडियो वायरल हो गई होगी, एंड उन पर व्यूज कितने होंगे, किस रील्स वीडियो पर 10 लाख व्यूज होंगे, किसी पर 20 लाख,
किसी पर 1 करोड़, किसी पर 5 करोड़, इस तरह से व्यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज का खुद अंदाजा लगा सकते हो, अगर इस वायरल कैप्शन पर 50,000 रील्स वीडियो भी वायरल हो गई एंड उन पर मतलब किसी पर 10 लाख व्यूज है, किसी पर 20 लाख व्यूज है, तो आप यहाँ पर देखिए कम से कम भी इस वायरल कैप्शन को अपनी आंखों से 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको सीन किया, फिर देखा या फिर उन्होंने वायरल कैप्शन को देखा या नहीं देखा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो उन्होंने रील्स वीडियो देखी उसमें इस कैप्शन का यूज किया गया था, वो भले ही कैप्शन यहाँ पर हाइड किया गया हो या फिर मतलब नीचे की तरफ कर दिया गया हो, लेकिन उनके सामने ये वायरल कैप्शन वाली ही रील्स वीडियो गई। ठीक है, जिससे उन्होंने इस वायरल कैप्शन पर तो ध्यान नहीं दिया लेकिन उन्होंने उस वायरल कैप्शन वाली रील्स वीडियो को सीन कर लिया, देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक इसी तरह से काम करती है। तो यहाँ पर कुल मिला के जब कभी भी आप इस वायरल कैप्शन का यूज करोगे तो आपकी भी रील्स वीडियो उन 100 करोड़ में से 10-20 लाख लोगों के पास तो पहुंच ही जाएगी। ठीक है, एंड काफी ज्यादा चांस रहते हैं, एंड अगर आप मतलब बाद में बनाओगे तो यहाँ पर फिर तो 100% आपकी रील्स वायरल होनी होनी है। तो ये तो आप समझिए वायरल कैप्शन काम कैसे करता है, कैसे ट्रेंडिंग में आता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई कैसे आपको इस तरह के वायरल कैप्शन को कॉपी करना है। ठीक है, काफी बंदे इनको कॉपी नहीं कर पाते हैं, एंड यहाँ पर ये कैप्शन नहीं है, इंस्टाग्राम पर और भी काफी सारे कैप्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इस रील्स वीडियो का कैप्शन कॉपी करना है, या फिर आपके सामने जो भी वायरल कैप्शन आता है, फिर मतलब जो भी रील्स वीडियो आती है, एंड अगर आपको लगता है कि इस बंदे ने इस रील्स वीडियो में वायरल कैप्शन का यूज किया है एंड हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको कॉपी कैसे करोगे, तो उसको कॉपी करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली उस रील्स वीडियो के सिर बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है, उसका लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है बैक, एंड यहाँ पर आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है, एंड यहाँ पर आपको एड्रेस बार में आके उस वायरल कैप्शन वाली रील्स वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर दोगे उसके बाद ये आपका डेस्कटॉप मोड में ऑन होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको चेक कर लेना है डेस्कटॉप साइट में ये आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, या फिर चेक कर लिया, फिर इसके बाद आप इसको जूम करोगे, जूम करने के बाद यहाँ से आप इसको कॉपी कर पाओगे। एंड साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा जहाँ से आपको मतलब ये इस तरह के वायरल कैप्शन बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, एंड वहाँ से मतलब आपको ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक क्लिक में कॉपी हो जाएंगे। बस यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस वायरल कैप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर सिलेक्ट नहीं होता तो आपको यहाँ से मतलब नीचे से कहीं से भी ले लेना है, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप समझ गए होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, नीचे की तरफ आना है, पूरा का पूरा वायरल कैप्शन आपको कॉपी करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको कॉपी करके अपनी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे यहाँ से कॉपी नहीं होता है तो आपको मतलब एक सिंपल सा काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर टेलीग्राम पे आ जाएंगे। जैसे आप टेलीग्राम पे आएंगे, टेलीग्राम पे आगे आप सिंपली मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे, सेम चैनल का नाम सर्च करना है आपको, टैग वसीम। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ये वाला कैप्शन दे दिया है, आप चाहो यहाँ से सिंपली इस पर टैप रोल करेंगे एंड यहाँ से आप इसको सिंपली कॉपी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद आप इसको अपने इंस्टाग्राम रील्स वीडियो में मस्त यूज करो एंड अपनी रील्स वीडियो को वायरल करो। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर और भी काफी सारी चीजें देता रहता हूँ जिनसे मतलब आपको रील्स वायरल करने में मदद मिलेगी। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि वायरल कैप्शन होता क्या है, कैसे आपको इसको यूज करना है, कैसे कॉपी करना है, सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।